हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी और स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग पे। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको आज घुमाने वाला हूं पूरा ग्रीडी में जितने भी सारे पंडाल ऑलमोस्ट कवर करेंगे, मतलब टॉप 10 जितने भी पंडाल सो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलते हैं बाहर और आपको मैं टूर कराता हूँ पंडालों की, जहाँ जहाँ पे कितने अच्छे पंडाल बने हुए हैं, जो भी है मूर्तियाँ कहाँ पे कितनी अच्छी है, लाइटिंग कहाँ पे कितनी अच्छी है, डेकोरेशन कहाँ पे कितनी अच्छी है, वो सारे को आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। टर्न वहाँ के दिल गार्डन गार्डन हो गया, ये सबसे बेस्ट है ग्रीडी के अंदर का। अभी तक मैं जहाँ भी विजिट करा हूँ वहाँ तक का सबसे बेस्ट पपरवा टर्न का ही रहा है और यहाँ भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। तो यहाँ पे अभी आरती का टाइम हो रहा था, बहुत सही टाइम पे हम आए और आप लोग आरती का दर्शन भी करवा देते हैं। थोड़ा सा मैया जी का दर्शन कर लो आप यहाँ पे। फिलहाल पहुंच चुका हूं बन्याड़ी, ग्रीडी के अंदर ही आता है और यहां का भी पंडाल जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। और सबसे खासियत यहां का जो इस प्लेस है ना बन्याड़ी का, यहां पे लगती है मेले और जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ही बड़ा स्पेस है यहां पे, इसके कारण यहां पे मेला भी लगता है। और आप सामने देख सकते हैं पंडाल में और यहां जो है अभी आरती का स्टार्ट हो चुका, तो मैं चलता हूं अंदर और आपको आरती का भी दर्शन करवा देता हूं और साथ में यार मैया का भी दर्शन कर लो आप लोगों को। और मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस नवरात्र को, एंजॉय करो, खुश रहो लाइफ में और सुख समृद्धि हमेशा आपको लाइफ में मिलते रहे। मैं चलता हूँ आपको सीधा अंदर लेकर। और यहाँ देखो अभी मेला मतलब स्टार्ट हो ही गया है, ऑलमोस्ट सारे दुकान है क्योंकि आज है अष्टमी है तो आज थोड़ा सा भीड़ नहीं है ज़्यादा है ना, लेकिन कल से यहाँ पे जो मार लगने वाला मेला ना वो तबाही होने वाला। आप पीछे देखो यहाँ पे झूला वगैरह भी, मैं आगे चल कर कोई झूला दिखाता हूँ, ये सारे दुकानें हैं आप देखो पास ना मेरे साथ। यहाँ पे लोकल लड़के लोग हैं जो आपको बताएं कुछ बन्याड़ी का रिव्यू। तो क्या नाम है तुम्हारा?
आर्यन नाम है मेरा। आर्यन नाम है, मतलब बनियाडी के बारे में तुम कुछ बताना चाहते हो, यहाँ पे क्या स्पेशल होता है हमेशा? अरे बनियाडी के बारे में बात ही मत करो यार, बनियाडी का जैसा कोई नहीं कर सकता है, सब कुछ भी कर ले। और अभी जो ये अभी हम दिखाए मेला वगैरह, तो अभी दुकानें सारे बंद हो रखी है ना, मतलब ये कल आज से क्या आज सप्तमी है ना? हाँ, अष्टमी के दिन से तो पूरा भर जाएगा यहाँ पे मेला क्या? पूरा पूरा। तो जी रिव्यू आपको पता चल गया, अगर आप विजिट करना चाहते हो बनियाडी, आप जरूर आप बनियाडी है ना एक बार यहाँ आओ, आप मैया का दर्शन करो यार, आपको बहुत सारे ब्लेसिंग मिलने वाली है। और मेरे तरफ से यार तुम लोगों को हैप्पी नवरात्र है ना, चलो एंजॉय करो। और सारे यार जब भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ कोई ना कोई मेरे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखे हुए चैनल, तो यार आप लोगों की वजह से इतना प्यार मिल रहा है। और मेरे सामने और मेरे पीछे देखो जी झूला, वो तो और भी तगड़ा लग रहा है, आप देखो मैं पूरा दिखाता हूँ इसको, ये रहा झूला, तो कितना खूबसूरत है। आप हो तो एक बार प्लीज जरूर आना बनने। हमारा आखिरी डेस्टिनेशन जो है एकेडमी, मतलब कि ग्रीडी का सबसे बड़ा और जो पंडाल होता है ना उसी जगह पे, और हमेशा यहाँ पे बहुत अच्छा पंडाल बनता है। ये पंडाल जो है आपको अभी मिल जाएगा देखने के लिए, और मेरे साथ ऋतिक हमेशा ही आता है, और एक है देख लो इसको, ये भटकता आशिक वो तलाश में किसी का, पता नहीं कोई मिलेगा तो ठीक है, नहीं भैया कहीं और करवाएंगे इसका शादी बुद्धि, ये सिंगल है चाहिए अगर आपके नजर में को हो। भगवान करे दुर्गा मैया कुछ दिलवा दे इसको दिलवा दे इसको है ना, तो मिलेगी उसके बाद ही हम ही लोग को मिल सकती है कि नहीं। तो जी ये है पंडाल, ये एकेडमी का जो कि रेलवे स्टेशन घीडी के बस बगल में होता है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विशाल है। आई थिंक ये मेरे तरफ से मैं बताऊँ तो ये पापावट आने के बाद ये चीज़ है, पापावट का सबसे बेस्ट लगा मेरे को, ठीक है ना। और अभी इसके अंदर कंपटीशन हो रहा था, और यहाँ मेले भी लगते हैं बहुत बड़े, अच्छा स्पेस है, बट ये अभी देखो यार भाई सब यही है ना, सबसे खराब जो होता है ना कि यार कीचड़ हो जाता है, देखो पूरा कीचड़ हो जाता है यहाँ पे, ये सबसे खराब लगता है फेस्टिवल जब भी बारिश होती है ना, तो बहुत ये दिल से बुरा लगता है। और यहाँ पे भीड़ आइसक्रीम वगैरह, और इधर सारे आप देख सकते हो ये चाट वगैरह, भाई ये हम लोगों के लिए तो नहीं है बट खा सकते हैं। अभी भी भीड़ है, आज भी भीड़ है बहुत ज़्यादा, देखो अच्छा है बहुत बढ़िया है, लेकिन बट अभी थोड़ा कीचड़ है बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो चुका है। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ बरमसिया के अंदर नव युवक समिति बरमसिया पंडाल के पास, मुझे यहाँ पे आके तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है पंडाल, बाकी वाला ओवरऑल और भी आपको अच्छे अच्छे मिलने वाले पंडाल हैं, तो यहाँ का रिव्यू मैं आपको बताऊँ तो ठीक ठाक है। और मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी नवरात्र, और माता जी आप लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सुख शांति और समृद्धि हमेशा प्राप्त करें।
इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, आई विश कि आप लोग बहुत अच्छी तरफ से, मैं क्या हूँ आप लोग के लिए, एक भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ कि यार आप लोग को हमेशा खुश रहे, जो चाहिए हो, हर एक विशेष पूरा हो आप लोगों को लाइफ में। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।